में राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा जो है दोस्तों हो चुकी है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में इस आयोजन की झलक देखने को मिली। राम मंदिर का उद्घाटन जहां लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है, वहीं अयोध्या में 85,000 करोड़ रुपए का जो मेकओवर हुआ है उससे अब ये देश की इकोनॉमी पर भी प्रभाव पैदा करेगी। ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस जेफरीज ने राम मंदिर को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि राम मंदिर से भारत का टूरिज्म सेक्टर नई ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला है। जेफरीज ने अपनी इस रिपोर्ट में राम मंदिर से देश में होने वाले आर्थिक प्रभाव के बारे में बताया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अयोध्या में हुआ यह बदलाव और राम मंदिर हर साल 5 करोड़ से ज्यादा टूरिस्टों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। आपको तो पता ही है अयोध्या के लिए कई एयरलाइंसों ने अपनी उड़ानें शुरू कर दी हैं। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में टाटा की इंडियन होटल्स लिमिटेड सहित कई कंपनियों ने अपने प्रोजेक्ट्स भी शुरू कर दिए। आज अयोध्या राम मंदिर में भगवान श्री राम के 5 वर्ष के राघव स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में की गई। इसी दिन जेफरीज ने अपनी ये रिपोर्ट शेयर की है। जेफरीज के मुताबिक अयोध्या का राम मंदिर एक बड़ा आर्थिक प्रभाव लाने वाला है क्योंकि भारत को एक नया टूरिस्ट प्लेस मिला है। यहाँ पर हर साल 5 करोड़ श्रद्धालु और टूरिस्ट पहुंचेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि 85,000 करोड़ रुपए में जो मेकओवर किया गया है उसमें नया हवाई अड्डा, पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशन, टाउनशिप, बेहतर सड़क कनेक्टिविटी शामिल है। ये सब फाइनेंशियल एक्टिविटीज कई गुना प्रभाव डालेंगे। जेफरीज के मुताबिक लगभग 70 एकड़ में फैला मुख्य तीर्थ स्थल लगभग 10 लाख भक्तों की एक साथ मेजबानी करने के लिए तैयार किया गया है। हर दिन यहाँ पर तीर्थयात्रियों की संख्या 1 से 1.5 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में टूरिज्म सेक्टर में धार्मिक पर्यटन अभी भी सबसे बड़ा हिस्सा रखता है। देश के कई लोकप्रिय धार्मिक केंद्र मौजूदा बुनियादी ढांचे की बाधाओं के बावजूद करीब 3 करोड़ पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और अब जबकि बेहतर कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक नए धार्मिक पर्यटन केंद्र अयोध्या का निर्माण किया गया है जो इस सेक्टर में जो है बूस्टर का काम करेगा। ब्रोकरेज की रिपोर्ट के आंकड़े जारी करते हुए बताया गया है कि अयोध्या एक प्राचीन शहर है और अब ये एक वैश्विक धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र में बदलने के लिए पूरी तरह तैयार है। नया राम मंदिर 1,800 करोड़ रुपए की लागत से बनकर पूरी तरह से तैयार होगा। अयोध्या में राम मंदिर से होटल, एयरलाइंस, हॉस्पिटैलिटी, MMCG, ट्रेवल एडवाइजरी समेत कई सेक्टर्स को लाभ पहुंचाएगा। जेफरीज की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2019 कोविड से पहले GDP में पर्यटन ने 194 अरब डॉलर का योगदान दिया था और वित्त वर्ष 2023 तक 8% CGR से बढ़कर 443 अरब डॉलर होने की उम्मीद है। एक ओर जहां इंडिगो से लेकर एयर इंडिया, स्पाइस जेट, आकाशा एयर तक ने अयोध्या के लिए हवाई यात्रा को सुगम बनाने के लिए कमर कसी है तो वहीं IRCTC ने अयोध्या के लिए टूर पैकेज की घोषणा भी कर दी है। जेफरीज ने होटल सेक्टर में फायदा उठाने वाली कंपनियों में इंडियन होटल कंपनी और EIH को चुना है जबकि FMCG और QSR सेक्टर में जुबिलेंट फूड वर्कर्स, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, गोदरेज कंज्यूमर, वेस्ट लाइफ फूड वर्क्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, देवयानी इंटरनेशनल और सेफायर फूड्स शामिल हैं। तो देखा आपने किस तरह से अयोध्या का राम मंदिर भारत की इकोनॉमी को बूस्ट करने का काम करेगा। आपको याद ही होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो है एक वाक्य दिया था इस देश को और कहीं ना कहीं उस सपने को पूरा करने में अयोध्या का भगवान श्री राम का भव्य मंदिर एक अहम भूमिका, एक अहम कड़ी निभाएगा। इससे पहले जब वहाँ जाना इतना आसान नहीं था तब भी वहाँ से काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है इकोनॉमी को मिलती थी, लेकिन अब जहाँ रेलवे का नेटवर्क हो, चाहे रोड का नेटवर्क हो या फिर हवाई नेटवर्क हो, सभी तरह से अयोध्या जाना बहुत सुलभ हो जाएगा। तो अयोध्या से इकोनॉमी में एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, एक बहुत ही ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला है। इस पर आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और सभी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आप RA News को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।